नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत पडरी गांव में मालिक से मजदूरी मांगने गए मिस्त्री का तलवार से हाथ काट लिया गया। वारदात के बाद गांव के जिन लोगों ने घायल को देखा और सुना तो हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम पीड़ित को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंची है, जबकि दूसरी टीम गांव पहुंची, जहां घटना स्थल के आसपास सर्चिंग कर 2 घंटे बाद कटा हाथ बरामद कर थाने के वाहन से पीड़ित के पास भेजा गया है। फिलहाल गांव में एहतियात पुलिस बल तैनात है। इधर 2.5 घंटे के भीतर SP नवनीत भसीन के निर्देश में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिरमौर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक RP पांडे ने बताया कि पडरी गांव में हादसे की सूचना शनिवार की दोपहर 2 बजे मिली थी। घटना के बाद एक टीम पीड़ित को लेकर SGMH रीवा गई, जबकि दूसरी टीम को पडरी गांव भेजा गया था। गंभीर वारदात से गांव में सनाका खींचा हुआ है। घटना के बाद आनंद फानन में गांव वाले पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे, जहां एम्बुलेंस की मदद से SGMH भिजवाया था। ग्रामीणों की माने तो शनिवार कि दोपहर 12 बजे मिस्त्री अशोक साकेत उर्फ पप्पू 45 साल मकान मालिक गणेश मिश्रा से मजदूरी का पैसा मांगने उनके खेत स्थित नव निर्मित घर गया था। पैसे की बात सुनते ही आरोपी गणेश मिश्रा आक्रोशित हो गया। वह घर के अंदर गया और तलवार लेकर आया। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता तब तक आरोपी तलवार से हाथ में हमला कर दिया, जिससे शरीर से हाथ कटकर अलग हो गया। थाना प्रभारी की माने तो प्रथम दृष्टया मामला मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर गांव में हाथ काटने की चर्चा है। पुलिस घटना के हर बिंदुओं की जांच कर रही है। हालांकि घटना स्थल के आसपास अधबना मकान मिला है, वहीं सामने अरहर का खेत है, जहां से काफी खोजबीन के बाद हाथ मिला है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पीड़ित का समय रहते कटा हाथ अस्पताल पहुंचा दिया गया था। वहीं लगातार पुलिस की एक टीम चिकित्सकों के संपर्क में है। दावा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम हाथ जोड़ सकती है। SP खुद इस मामले में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। SP नवनीत भसीन ने बताया कि आरोपी गणेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको पकड़ने के लिए सिरमौर SDOP PS परिस्ते के नेतृत्व में सिरमौर, सिमरिया और सगरा थानों को पुलिस बल लगाया गया था। साथ ही साइबर सेल की मदद लेकर रिश्तेदारों पर दबाव बनाया गया था, जिससे आरोपी को पकड़ने में 2.5 घंटे के अंदर सफलता मिल गई है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।